नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम शनि महाराज जो कि वक्री होने वाले हैं 6 अप्रैल 2017 से लेके 25 अगस्त 2017, ये शनि जो है अलग अलग राशि या लग्न वाले जो भी जातक है उनको क्या फल देगा, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लोगों का प्रश्न हमेशा रहता है कि ये लग्न से देखना है या चंद्र से देखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिनको अपना लग्न पता है, लग्न कुंडली पता है कौन सा लग्न है, वो लग्न से ही देखे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी राशि पता है लेकिन लग्न पता नहीं है, वो लोग राशि के हिसाब से भी इसका सपोर्ट ले सकते हैं। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसमें से 60 से 70% जो है पॉसिबिलिटी जो है वो चंद्र से भी यानी चंद्र राशि से भी रहेगी। अब हम सबसे पहले देखें कि भाई जो मेष राशि या लग्न वाले जातक है उनको ये वक्री शनि क्या फल देगा। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी के पास आता है और सूर्य से दूर जाता है, यानी उसका जो प्रभाव है, तीव्रता है, वो ज्यादा होती है। पॉजिटिव नेगेटिव वो आपकी कुंडली में, मूल कुंडली में ये शनि कहाँ है, किस तरह से है, वक्री है, मार्गी है, उस पे से तय होता है। लेकिन ओवरऑल ये शनि आपको क्या फल देगा, तो देखिए मेष राशि या लग्न वाले जातक जो है इनकी कुंडली में हम देखें तो ये जो शनि है कर्म भाव यानी बिजनेस को लेके कई चेंजेस दे सकता है, पिता को लेके प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। मेष राशि या लग्न वाले जातक जो भी कार्य कर रहे हैं मुनाफे को ध्यान में लेते हुए, लाभ को लेते हुए, ये लाभ उनका जो है उसमें सडनली कोई ना कोई प्रश्न उपस्थित हो सकता है। ये बात बताना चाहूंगा कि जिनका ऑलरेडी शनि वक्री ही है मेष राशि या लग्न वाले जातक की कुंडली में, उनको ये शनि अच्छा फल देगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको क्या चेंजेस आएंगे, कौन से भाव में, वो बताऊंगा। आप अपनी कुंडली में चेक करिएगा कि ये आपकी कुंडली में शनि वक्री है या मार्गी। अगर वक्री है तो ये वक्री शनि आपको अच्छा फल देगा, अगर मार्गी है तो ये नकारात्मक फल देगा। तो मेष राशि या लग्न वाले जातक जो है इनकी कुंडली में भाग्य को लेके पर चेंजेस आ सकते हैं, कर्म को लेके, बिजनेस को लेके, यश मान प्रतिष्ठा को लेके कोई चेंजेस आ सकता है, वडिल या मित्रों को लेके कोई भी सडनली कोई चेंज आ सकता है, उनके जो लाभ है वो या तो मिलेंगे या सडनली स्टॉप हो जाएंगे, ऐसा कुछ रहेगा। ये लोग सडनली कोई साहस भी कर सकते हैं मेष राशि या लग्न वाले जातक। जॉब में सडनली कोई चेंजेस आ सकता है तो ये भी इनको ध्यान रखना होगा। अब मैं बात करूंगा कि ये लोग क्या उपाय करें, वक्री शनि जो है उसका क्या उपाय करें मेष राशि या लग्न वाले जातक। तो देखिए, वो हो सके तो पिता की सेवा करें, पिता के आशीर्वाद लें, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, वडिल हैं, उनके आशीर्वाद लें, मित्रों के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो अच्छे बनाए रखें, बड़े भाई बहन हैं उनके साथ सलाह मशवरा करें, उनसे उनके सलाह के हिसाब से आगे बढ़े, तो ये वक्री शनि जो है उनको नेगेटिविटी कम देगा। आगे हम देखें वृषभ राशि या लग्न वाले जातक जो है तो इनकी कुंडली में ये वक्री शनि जो है ज्यादा नकारात्मक फल दे सकता है, इसलिए उनको ज्यादा ध्यान देना होगा। अब क्या फल देगा, तो भाग्य में सडनली कोई चेंजेस आएगा, पिता का भाग्य यानी पिता है उनके कामकाज में भी सडनली चेंजेस आ सकता है। ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सडनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बॉस के साथ के संबंध जो है उसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। साथ में ही ये लोग अगर कोई लंबी मुसाफरी का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये टाइम में वो स्टॉप हो सकती है या उसमें सडनली कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये टाइम में वृषभ राशि और लग्न वाले जातक जो है इनको फैमिली का ध्यान रखना होगा, सोर्स ऑफ इनकम कम हो सकता है, फैमिली में मन मोटाव हो सकता है, सेविंग्स इनकी जो है वो नेगेटिवली प्रताड़ित हो सकती है, तो इनको ज़्यादा ध्यान ये देना होगा। साथ में ही जिनके कुंडली में वक्री ही शनि है वृषभ राशि लग्न वाले जातक, तो उनको ये शनि इतनी नेगेटिविटी नहीं देगा। लेकिन ओवरऑल वृषभ राशि और लग्न वाले जातक को ज़्यादा ध्यान देना है, ये याद रखें। अब उनको क्या उपाय करने चाहिए, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा उपाय रहेगा कोई भी धार्मिक जो जगह है, धर्म का स्थान है, वहाँ पे वो तेल का दान करें, ये उनके लिए अच्छा होगा। साथ में ही वो जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो खुद ही बॉस है तो अपने जो भी आप उनके हाथ नीचे जो काम कर रहे हैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। अगर वो
जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस को सपोर्ट करें, उनका जो भी कहना है वो माने, तो भी ये नेगेटिविटी कम होगी। साथ में ही हो सके तो जो भी अंध लोग हैं उनको खाना खिलाए, तो भी ये नेगेटिविटी कम होगी। तो धर्मस्थान और अंधों की सेवा इनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। आगे देखें, मिथुन राशि या लग्न वाले जातक, तो इनको ध्यान देना होगा लग्न जीवन में। मैरिज लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो सकती है। लाइफ पार्टनर जो है उनकी हेल्थ नेगेटिवली प्रताड़ित हो सकती है, हेल्थ बिगड़ सकती है, वो ध्यान रखना है। साथ में ही भाग्य को लेके इनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों का वो नहीं मिलेगा। लाइफ पार्टनर या पार्टनर भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। उनके विचार ज़्यादातर नकारात्मक हो सकते हैं, मिथुन राशि के लगने वाले जातक के, तो ये ध्यान रखना है। वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सडनली कोई चेंजेस आ सकता है, उनको ऐसी जगह पे रखने में आएगा जहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका मन नहीं लगेगा, तो ऐसे भी कोई चेंजेस यहाँ पे आएंगे ऐसा दिख रहा है। तो मिथुन राशि वाले जो जातक है वो थोड़ा ध्यान रखे लाइफ पार्टनर की हेल्थ की और अपने भाग्य की। थोड़े नेगेटिव चेंजेस है वो उनको थोड़े सहन करने होंगे, ये टाइम में थोड़ी धीरज बनाए रखें तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब इनको क्या उपाय करना चाहिए, तो देखिए मिथुन राशि या लगने वाले जातक जो है कोई भी हॉस्पिटल या दवाखाना जो भी है वहाँ पे दवा का दान दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वृद्धाश्रम में रहते हैं उनको दवा का दान करे, अच्छा रहेगा। साथ में ही जो भी पंडित है या महाराज है जो मंदिर की पूजा करता है और वृद्ध है उनको वो दान दे, उनकी सेवा करे, तो उनको ये नेगेटिविटी कम मिलेगी। हो सके तो धर्मस्थान जहाँ पे है वहाँ पे तेल या तिल या काले उड़द का दान दे, तो भी नकारात्मक प्रभाव जो है शनि का वो कम रहेगा। आगे देखें हम कर्क राशि या लग्न वाले जातक, तो इनको भी थोड़ा ध्यान देना है मैरिड लाइफ और बिजनेस पार्टनर के बारे में। हो सकता है ये टाइम में लाइफ पार्टनर जो है उनको एडजस्ट ना हो, उनकी वजह से परेशानी आ सकती है, वो शत्रु जैसा वर्तन भी कर सकता है या एडजस्ट नहीं होगा। लाइफ पार्टनर की नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है, अगर वो बिजनेस पार्टनर है उनके तो बिजनेस पार्टनर भी जो भी है वो उनको ये टाइम में कर्ज करवा सकता है या उसकी तरफ से नुकसान के योग बन रहे हैं, तो ये उनको बहुत ही ध्यान देना होगा। इनके लिए भी ये शनि का वक्री होना बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। उनकी जो भी हेल्थ है यानी अगर सीजनल बीमारी है, छोटी छोटी कोई भी मांगी है तो उसमें ध्यान रखें, वो बड़ा स्वरूप ले सकती है और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। खर्च का प्रमाण ज़्यादा रहेगा, पैसे फंस सकते हैं, तो कर्क राशि या लग्न वाले जातक ये भी ध्यान रखें। और जॉब में भी सडनली कोई प्रश्न उपस्थित हो सकता है, और जिनकी कुंडली में शनि वक्री है तो उनको जॉब में जो प्रश्न चल रहे थे उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है, ये उनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन मैंने जो भी बातें बताई उसमें ज़्यादा गौर करें। अब हम देखें उपाय क्या करें, तो देखिए उपाय में ऐसा है कि ये लोग अगर जाहिर जीवन में जो भी बुजुर्ग लोग हैं जो लोग रोड पर काम कर रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं, उनको वो चप्पल का दान कर सकते हैं या फिर पानी का दान कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साथ में ही वो लोग जो है मेडिसिन का दान करें तो भी अच्छा होगा। हो सके तो कोई भी श्मशान हो वहाँ पे पानी का भी वो दान कर सकते हैं, तो भी ये नेगेटिविटी कम होगी। हो सके तो लोहे का कोई स्टैंड ऐसा कुछ श्मशान में रखे तो भी उनको नेगेटिविटी कम मिलेगी, तो ये उपाय वो कर सकते हैं। और हो सके तो पैसे किसी को उधार ना दे, और जिनके पास से लिए हैं पैसे उनको हो सके उतनी जल्दी देने का प्रयत्न करें। आगे हम देखें सिंह राशि या लग्न वाले जातक, तो देखिए इनको जो ध्यान रखना है वक्री शनि में तो संतान को लेकर ध्यान रखना है। संतान का वियोग आ सकता है या संतान के साथ मन मुटाव हो सकता है, संतान की हेल्थ को लेकर भी चिंता हो सकती है। साथ में ही जो लोग एजुकेशन है में है पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पढ़ाई में ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ की वजह से पढ़ाई में इफेक्ट आ सकती है। और जो लोग लाइन लेना चाहते हैं नहीं तो वो भी ध्यान से ले, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
जो लोग प्रेम में हैं, प्रेम लग्न करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनकी रिलेशनशिप में सडनली कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा और उनको वियोग यानी अलग होना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। ऐसा भी है, जो लोग मैरिज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको सडनली ये टाइम में नकारात्मक रिजल्ट मिल सकता है। जो भी बात चल रही थी लग्न को लेकर वो सडनली स्टॉप हो सकती है, तो ये उनको ध्यान रखना होगा। अब ये क्या उपाय करें, तो सिंह राशि या लग्न वाले जातक है वो भी हो सके तो बड़े लोग जो है, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा करें, हॉस्पिटल में दान करें दवाओं का। हो सके तो अभी जो भी रास्ते पे कोई भी भिखारी या कोई भी बुजुर्ग दिखाई दे जो भीख मांग रहा है, तो उसको चप्पल का दान कर सकते हैं ये टाइम में, या फिर उनको खाना खाने का दान कर सकते हैं। हो सके तो शनिवार शाम को वो शनिदेव को सरसों का तेल और काले उड़द चढ़ाए, तो ये भी उनको अच्छा फल देगा। आगे हम देखें कन्या राशि या लग्न वाले जातक। तो देखिए कन्या राशि और लग्न वाले जातक है उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि शनि तो वक्री हुआ है और राहु की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, तो ये लोग ज़्यादा परेशान रहेंगे। हो सकता है सडनली उनको जगह चेंज करनी पड़े, उन पे कोई आरोप लिटिगेशन आ सकता है, सडनली कोई खर्च आ सकता है, कर्ज ये टाइम में होगा, ये भी उनको ध्यान रखना होगा। हेल्थ को लेके भी ध्यान रखना है, संतान को लेकर सडनली कोई खर्च आ सकता है तो ये भी ध्यान रखें, संतान की पढ़ाई को लेके, संतान की हेल्थ को लेके भी उनको थोड़ा चिंता रहेगा ये टाइम में। वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सडनली मंदी आ सकती है, पैसे फंस सकते हैं, या फिर उनका जो भी पैसा आना है वो स्टॉप हो सकता है, नहीं आएगा, और उनके जो भी कैलकुलेशन है वो गलत साबित हो सकते हैं, उनकी विचारधारा नकारात्मक बन सकती है। तो कन्या राशि या लग्न वाले जातक है वो ज़्यादा ध्यान रखें, उनके लिए ये जो वक्त है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हो सके उतना इजी गोइंग जाए, जो भी करे बहुत ही सोच समझ कर करे, तो नकारात्मक प्रभाव कम मिलेगा। अब हम देखें कि वो क्या कर सकते हैं, तो हो सके तो कन्या राशि या लग्न वाले जातक स्कूल में बच्चों को दान दे, खाना खिलाए, तो भी नेगेटिविटी कम होगी। और एक बात है कि हो सके तो श्मशान में वो लोहे का स्टैंड लगाए मटके के लिए, या फिर जो लोग हेल्थ को लेकर चिंतित है या दवा जिनको चाहिए उनको दवा का दान करे तो भी अच्छा रहेगा। और हो सके तो अपना जो ननिहाल है वहाँ पे संबंध अच्छे बनाए रखे तो भी थोड़ी नेगेटिविटी जो है वो कम मिलेगी। हो सके तो ये लोग स्कूल में या कॉलेजेस में स्पोर्ट्स की कोई भी चीज़ का दान करे, उससे भी थोड़ी नेगेटिविटी कम रहेगी। आगे हम देखें तुला राशि या लग्न वाले जातक, इनको ये वक्री शनि जो है वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तुला राशि या लग्न वाले जातक के लिए धनु राशि का शनि जो है वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है, वो कैलकुलेटिव सडनली कोई साहस करेंगे, भाई बहनों के साथ के संबंध है वो सडनली सुधर सकते हैं, ये टाइम में अच्छे बन सकते हैं। जो भी वो खर्च करना चाहते थे या खर्च की गुंजाइश जो है उसके लिए पैसों का कहीं से भी पैसे है उनके पास आ सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। अगर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन भी मिल सकती है। ये बात अलग है कि संतान को लेके थोड़ा वो कोई साहस करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तुला राशि या लग्न वाले जातक जो है वो प्रॉपर्टी को लेके भी सडनली कोई खर्च कर सकते हैं, नया वाहन मकान ले सकते हैं, उसमें जो है कुछ तोड़फोड़ करवा के खर्च भी कर सकते हैं, तो ये भी उनको रिजल्ट मिल सकता है। ये लोग प्रेम में भी कोई साहस करेंगे ऐसा दिख रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रेम में जो भी अभी तक प्रश्न चल रहा था उसमें सडनली कोई सॉल्यूशन आ सकता है, तो ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल तुला राशि या लग्न वाले जातक जो है उनके लिए शनि का ये वक्री होना अच्छा ही फल देगा।
उनको जो ध्यान रखना है वो है प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना है, और संतान को लेकर प्राइम में थोड़ा ध्यान रखना है। एजुकेशन की लाइन में जो भी है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, गलत साहस ना हो जाए, गलत लाइन कोई पसंद ना हो जाए, वो ध्यान रखें। अब वो क्या उपाय करे, अगर हो सके तो तुला राशि या लग्न वाले जातक स्कूल में कोई भी स्कूल के अंदर पाठशाला में कोई भी दान करे तो अच्छा रहेगा। माता की सेवा करे, अपने घर को, अपने घर के जो भी लोग हैं बुजुर्ग हैं उनको सपोर्ट करे, उनकी सेवा करे, तो उनको नेगेटिव रिजल्ट जो है वो कम मिलेगा। शनि का जो भी मंत्र है वो उनके लिए ये टाइम में ज़्यादा अच्छा फल देगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का जाप करें 108 बार तो इनको अच्छा फल मिलेगा। शनि यंत्र की पूजा करें तो भी तुला राशि या लग्न वाले जातक को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे हम देखें वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातक। तो देखिए वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातक जो भी है उनको शनि का ये जो भ्रमण है वो बहुत ही परिवर्तनशील रहेगा। रहने की जगह, काम करने की जगह, बिजनेस की जगह, जॉब की जगह में सडनली कोई चेंजेस आ सकता है, तो ये उनको ध्यान रखना होगा। साथ में ही उनके जो भी लाभ थे वो स्टॉप हो सकते हैं, मकान में खर्च हो सकता है, भाई बहनों के लिए खर्च हो सकता है, कोई गलत साहस ना करे ये भी उनको ध्यान रखना होगा। दोस्तों वडिलों के साथ के जो संबंध है, बुजुर्गों के साथ के संबंध बिगड़ सकते हैं, फैमिली में मन मोटाव हो सकता है, हेल्थ को लेके भी खर्च हो सकता है, सेविंग्स इनकी जो है वो नकारात्मक तौर पे प्रताड़ित हो सकती है, तो ये सब उनको ज़्यादा ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातक जो है उनके जीवन में ये टाइम में फैमिली, भाई बहन और प्रॉपर्टी को लेके सडनली कोई चेंजेस आ सकता है, और अगर उनकी कुंडली में ये योग है कि शनि मार्गी है तो ये बकरी शनि का फल ज़्यादा नेगेटिव मिल सकता है उनको। अगर वो उपाय करना चाहते हैं तो क्या करें वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातक, तो सबसे पहले तो उनको ध्यान रखना होगा कि वे अपने भाई बहन जो है उनकी उनको सपोर्ट करें, उनको मदद करें, पड़ोस के लोग जो है उनके साथ के संबंध अच्छे बनाए रखें, माता की सेवा करें, हो सके तो वो सूर्य नारायण को जल चढ़ाए, सूर्य नारायण को सरसों का तेल जो है वो चढ़ाए एक ढक्कन में, और वो जो तेल है वो मिट्टी वाली जमीन पे गिरे न कि कोई कंक्रीट पे, तो ये एक उपाय भी वो कर सकते हैं। हो सके तो शनिवार को वो शनिदेव के मंदिर जाके शाम को काले तिल या काले उड़द और सरसों का तेल जो है वो दान में दे तो भी अच्छा रहेगा। जो भी वृद्ध स्त्री है उनकी फैमिली में उनकी वो सेवा करे तो भी उनको ये नेगेटिविटी कम मिलेगी। आगे हम देखें धनु राशि या लग्न वाले जातक। तो देखिए धनु राशि या लग्न वाले जातक जो है तो धनु राशि में शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है जो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। मानसिक तौर पे ये लोग बहुत ही परेशान होंगे ऐसा मेरा मानना है। मैरिज लाइफ उनकी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, बिजनेस को लेकर भी प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। जो भी वो साहस किए हैं कर्म को लेके वो ये टाइम में उनको नकारात्मक परिणाम दे सकता है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर चिंता रहेगी, ये टाइम में ज़्यादा खर्च होगा और सेविंग्स भी उनकी जो है ये टाइम में खर्च हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। हो सके तो फैमिली को एडजस्ट हो, गलत साहस ना करें, लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, और बिजनेस में अगर जरूरी है उतना ही साहस करें, गलत साहस किया तो आपकी रातों की नींद ये टाइम में उड़ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ में ही ज़्यादा उनको जो ध्यान रखना है वो मानसिक उनका जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो अब उनको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो धनु राशि या लग्न वाले जातक जो है योग प्राणायाम करें अच्छा रहेगा। हो सके तो शनि के मंत्र करें सुबह में अच्छा रहेगा। शनि की जो चीज़ें हैं तेल, काले उड़द या फिर लोहा, इसका दान करें जहाँ पे ज़रूरत हो अच्छा रहेगा। भाई बहनों को मदद करें, सपोर्ट करें अच्छा रहेगा। फैमिली में सबको एडजस्ट हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ के जो भी मन मुटाव है यहाँ पे ज़्यादा वो ना करें, उनको भी वो एडजस्ट होने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो जो भी वृद्ध है
बुजुर्ग लोग हैं उनकी वो सेवा करें, तो ये नेगेटिविटी जो है वो कम मिलेगी। साथ में ही धनु राशि लग्न वाले जातक जो है वो अपना ज्यादा वक्त जो है वो बुजुर्गों के साथ, अपने पेरेंट के साथ वो पसार करें, तो भी ये नेगेटिविटी कम होगी। आगे हम देखें मकर राशि या लग्न वाले जातक, तो देखिए इनके लिए 7:30 की शुरुआत हो गई है कब की, और ये शनि का वक्री होना, ये दो बातें उनके लिए ज्यादा नेगेटिव रहेगी। सडनली कोई खर्च आ सकता है, पैसे फंस सकते हैं या कर्ज हो सकता है, साथ में ही लिटिगेशन आरोप आ सकते हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जॉब में परेशानी आ सकती है, जॉब में चेंजेस आ सकता है, ऐसी जगह पे उनकी जॉब जा सकती है जहाँ पे उनको मानसिक शांति न मिले। उनको फैमिली को लेके भी ये टाइम में नकारात्मक परिणाम मिल सकता है। भाग्य को लेके ये लोग ज़्यादा घूमते रहेंगे लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये टाइम में नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, हेल्थ भी नकारात्मक तौर पर यहाँ पर प्रताड़ित हो सकती है, हेल्थ बिगड़ सकती है, हेल्थ को लेके हॉस्पिटलाइजेशन खर्च हो सकता है, तो ये ध्यान रखना होगा। और एक बात, हेल्थ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो डॉक्टर डिटेक्ट ना कर सके, क्योंकि राहु का भ्रमण भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें मकर लग्न या राशि वाले जातक। अब वो क्या उपाय करें, तो देखिए सबसे पहले उनको उपाय में आएगा एक तो ओवरऑल बॉडी चेकअप करवाए 2-3 महीने में। दूसरी एक बात है कि भी हो सके महामृत्युंजय का मंत्र करें। तीसरी बात, शिवलिंग पे अगर हो सके तो काले तिल और पानी चढ़ाए, साथ में ही हो सके तो मंदिर के अंदर तेल का दान करें, मंदिर के अंदर काले तिल का दान करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए शनि जो है वो वृद्ध वृद्धत्व को दर्शाता है, तो जो भी वृद्ध घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं, वडील है, पेरेंट्स है, उनकी सेवा करें, उनकी सलाह के अनुसार चले, तो नेगेटिव रिजल्ट इनको कम मिलेगा। आगे हम देखें कुंभ राशि या लग्न वाले जातक, इनके लिए शनि का ये जो भ्रमण है ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, और वक्री होने की वजह से जिन लोगों के लाभ बहुत टाइम से अटके थे वो सडनली लाभ मिलेंगे, सडनली उनके कोई अच्छे काम हो सकते हैं, सडनली उनको अनजानी जगह से लाभ हो सकता है, ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, साथ में उनको अच्छा कोई पद मिल सकता है, उनकी बड़ी पहचानों की वजह से उनके काम बहुत ही आसान ये टाइम में हो सकते हैं। तो ओवरऑल कुंभ राशि वाले कुंभ लग्न वाले जातक के लिए ये टाइम जो है अच्छा रिजल्ट देगा। उनको थोड़ा ध्यान रखना है संतान को लेकर, थोड़ा टेंशन ये टाइम में हो सकता है, और साथ में ही थोड़ी हेल्थ की भी वो ध्यान रखे, हेल्थ को लेके भी थोड़ा उनको ध्यान रखना होगा, ये टाइम में थोड़ी हेल्थ उनकी बिगड़ सकती है, लेकिन फिर भी कुंभ राशि और लग्न वाले जातक के लिए ओवरऑल ये भ्रमण अच्छा रहेगा। अब वो क्या उपाय करें, तो कुंभ राशि या लग्न वाले जातक जो है वो हो सके तो हॉस्पिटल में ही दवा का दान करें, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है, और हो सके तो वृद्धाश्रम जो है, ओल्ड एज होम है, वहाँ पर वो जाए, वहाँ पर जो भी लोग हैं उनको मदद करें, जो भी वो देना चाहते हैं दान वहां पे दे, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे हम देखें मीन राशि या लग्न वाले जातक, तो यहाँ पे ये जो भ्रमण है शनि का और शनि जो वक्री हुआ है, तो मीन राशि वाले जातक को ये वक्री शनि थोड़ा नेगेटिव फल दे सकता है। उनका जो काम चल रहा था सडनली स्टॉप हो सकता है, बंद हो सकता है, काम में से जो आमदनी हो रही थी वो बंद हो सकती है, काम के वजह से बिजनेस की वजह से कर्ज सडनली हो सकता है, पैसे फंस सकते हैं, आपको जो भी पेमेंट आने थे वो नहीं आएंगे ये टाइम में, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ से हो सकता है अगर आपकी जगह नहीं है तो आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी, किराएदार जो है आपके जो मालिक है वो आपको जगह छोड़ने को कह सकते हैं, लाइफ पार्टनर को लेके भी चिंता हो सकती है, जो लोग बिजनेस में है बिजनेस पार्टनर है जिनके उनके साथ पार्टनरशिप टूट भी सकती है, तो ये भी उनको थोड़ा ध्यान में लेना होगा। सडनली कोई खर्च आ सकता है तो ये भी ध्यान रखें, मानसिक अशांति ये टाइम में बनी रहेगी तो ये भी उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए मीन राशि या लग्न वाले जातक जो है वो मित्रों को मदद करें,
उनके साथ संबंध अच्छे बनाए रखे, जो भी पेरेंट्स हैं उनके, बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करे, हो सके तो हॉस्पिटल में दान दे या फिर कोई ट्रस्ट में दान दे, जैसे मैंने बताया कोई अंध व्यक्ति है उनको दान दे, ऐसी कोई जगह पे अगर वो दान करते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो कम होगी। और हो सके तो ये टाइम में कोई नया बिजनेस चालू ना करे, वरना ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। और ये टाइम में थोड़ा पॉजिटिव जो है वो ऐसा है कि जो लोग काफ़ी टाइम से परदेश जाना चाहते थे लेकिन उनके काम नहीं हो रहा था, तो ये टाइम में वो काम हो भी सकता है। लेकिन उनकी कुंडली में, मूल कुंडली में शनि जो है वो वक्री ही होना चाहिए। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी कुंडली में शनि वक्री ही है उनको ये वक्री शनि जो कि 6 अप्रैल 2017 से लेकर 25 अगस्त 2017 तक रहने वाला है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जिनकी मूल कुंडली में शनि वक्री नहीं है, मार्गी है, उनको ये शनि ज्यादा नकारात्मक फल देगा, ये आपको याद रखना होगा। अगर आप ये वक्री शनि का डिटेल में क्या रिजल्ट मिल सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से ये जानना चाहते हैं, या फिर कोई भी हॉरोस्कोप बताना चाहते हैं, ओवरऑल फ्यूचर जानना चाहते हैं, या फिर वास्तु के बारे में कोई सलाह मशवरा चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टैक्ट नंबर है 0971128008, ईमेल एड्रेस है info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये वक्री शनि का फल 2017 का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी मैंने सलाह उसमें दी है, एडवाइस दी है, उसको फॉलो करें ताकि आप शनि की नकारात्मक असर को कम कर सके हैं और उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा सके। धन्यवाद।